दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रिएटिव केशव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हूँ, जो है आपका वीडियो जो है आप शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो दोस्तों उस चैनल पे आप कोई भी वीडियो है वो शेड्यूल करके रख सकते हो। यानी कि अगर आपने आज दो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, आज एक आपको आज ही अपलोड करना है और दूसरी आप अपलोड करना है कल, तो दोस्तों आप दोनों ही आज ही अपलोड कर दें और जो कल वाली वीडियो है उसको आप शेड्यूल कर दें। यहाँ दोस्तों वो फीचर आ चुका है अभी यूट्यूब पर। तो चलिए इसके लिए आपको चलना पड़ेगा आपके डेस्कटॉप वर्जन पर, जो कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को बिना लेट के शुरू कर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ फटाफट से कर दे, ताकि ये होगा कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप उसको डेस्कटॉप साइट पर लेके जाए, ठीक है, डेस्कटॉप साइट उसको इनेबल कर दें। तो उसके बाद दोस्तों आप अपनी वीडियो मैनेजर ओपन कर लीजिए, जो भी वीडियो को आपको शेड्यूल करना है और वहां से उसको आप सेलेक्ट कर लो। तो चलिए मैं यहां पे अपना जो वीडियो मैनेजर है मैं इसको ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद मैं आपको यहां पे अपना जो अपलोडेड वीडियो है, ठीक है, अभी मैंने प्राइवेट पर रखा है, तो उसको मैं आपको शेड्यूल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा वीडियो मैनेजर है वो ओपन हो चुका है। तो चलिए जूम करके दिखाता हूँ। जो भी आपको आपकी वीडियो शेड्यूल करनी है, ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है वहाँ पे जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ये ओपन हो जाएगा, तो ओपन होने के बाद यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट करके पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी फिल किए, टैग्स भी लगाई है, और इसकी जो एंड स्क्रीन है सब कुछ जो है मैंने यहाँ पे फिट करके रखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप इस वीडियो को शेड्यूल करके सेव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वीडियो अपलोड की जो होम पेज है उसमें आना है, और जो पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट जो आपको ऑप्शन मिलता है, जो वीडियो आपके वहाँ पे आपको जो है इसको शेड्यूल कर देना है। तो उसके बाद शेड्यूल करने के बाद देखिए यहाँ पे एक नया फीचर आ चुका है शेड्यूल का ऑप्शन। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन सी डेट को आपको शेड्यूल करना है, यानी कि कौन सी डेट को आपको पब्लिश करना है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मुझे कल करना है, यानी कि मुझे 5 तारीख को जो है ये वीडियो अपलोड करनी है अपने चैनल पे। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 दिसंबर। उसके बाद कौन से टाइम पर आप इसको पब्लिश करना चाहते हो और टाइम जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि एग्जैक्ट उसी टाइम पर जो मेरा ये वीडियो है वो पब्लिश हो जाए और ये वीडियो आप लोग आप बड़ी आसानी से देख सको। तो उसके बाद इसको इनेबल करने के बाद यहाँ से सबसे नीचे देखिए उसको आपको शेड्यूल कर देना है, ठीक है, तो मतलब सेव कर देना है। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे, तो सेव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो भी डेट और टाइम सेट किया है उसी डेट को उसी टाइम को ऑटोमेटिकली आप लोग के पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी वीडियोस को शेड्यूल कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर संडे का दिन में आप वीडियो बनाते हो, तो एक ही साथ 3-4 वीडियो बना लें और सभी एक ही साथ में अपलोड कर दें, और सभी को हर एक दिन का शेड्यूल बना के रख दें, ताकि ऑटोमेटिकली जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली पब्लिश होते रहे। आज एक वीडियो पब्लिश होगी, फिर कल एक वीडियो ऑटोमेटिकली पब्लिश होगी, फिर परसों एक वीडियो पब्लिश होगी। तो इस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी वीडियो को मैनेज कर सकते हो और अपने यूट्यूब को भी इसी प्रकार से आप शेड्यूल करके रख सकते हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।